डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखिए रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन में इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव यानी औद्योगिक औद्योगिक सहकारी औद्योगिक सहकारी में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ इंडस्ट्री ठीक है औद्योगिक सहकारिता की वित्तीय इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव यानी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेटिव का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हमने समझा था। अब हम करेंगे इंडस्ट्रियल कॉरपोरेटिव के इंडस्ट्रियल कॉरपोरेटिव के फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में कि इंडस्ट्रियल रिसोर्स क्या है यानी जो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेटिव कमेटी है वो किन किन स्रोतों से ठीक है फाइनेंस को गेन करती है। ठीक है तो देखिए पहले हम सोर्सेज देखेंगे उसके बाद एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए फर्स्ट जो सोर्सेज है वो है इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव बॉडीज। ठीक है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है अभी हम एक साथ लिख लेते हैं उसके बाद से हम एक एक को डिस्कस करेंगे। औद्योगिक सहकारी ठीक है औद्योगिक सहकारी सेकेंड रहेगा सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव केंद्रीय राज्य सहकारी ठीक है केंद्रीय एवं राज्य सहकारी बैंक। नेक्स्ट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव कमेटी है, ठीक है, उनका उनके फाइनेंस जो उनको प्रदान किया जाता है या जहाँ से वो फाइनेंस को गेन करती है वो संस्थाएं है। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव कमेटी है फाइनेंस को प्राप्त करती है, फाइनेंस को प्राप्त गेन करती है, ठीक है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव बैंक यानी औद्योगिक सहकारी बैंक। सेकंड है सेंट्रल एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक यानी केंद्रीय एवं राज्य सहकारी बैंक। थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फोर्थ है रिजर्व बैंक नाबार्ड और फिफ्थ है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी राज्य वित्त निगम, ठीक है। ये पांच ऐसी संस्थाएं हैं जहां से औद्योगिक सहकारी समितियां, ठीक है, जहां से औद्योगिक सहकारी समितियां फाइनेंस को प्राप्त करने का कार्य करती है, फाइनेंस को गेन करने का कार्य करती है। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि ये औद्योगिक सहकारी बैंक क्या है, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव बैंक क्या है। देखिए सहकारी समितियों को जो फाइनेंस प्रदान करने का जो कार्य वो किसके द्वारा किया जाता था? सेंट्रल एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक के द्वारा किया जाता था। लेकिन यह देखने में आया कि सेंट्रल एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक असफल हो रहे हैं, ठीक है, इन्हें फाइनेंस प्रदान करने में यानी इनकी आवश्यकता के मुताबिक
मुताबिक इनको फाइनेंस प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकता के मुताबिक इनको फाइनेंस प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करने के लिए औद्योगिक सहकारी बैंक की स्थापना की गई। तो ये औद्योगिक सहकारी बैंक क्या करते हैं, औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उचित मार्गदर्शन भी इनको प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें शीर्ष स्तर पर औद्योगिक बैंक है, जिला या क्षेत्रीय स्तर पर जिला औद्योगिक बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। कुछ राज्यों में राज्य स्तर पर शीर्ष तथा जिला स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर भी बैंक स्थापित हो चुके हैं। शीर्ष स्तर के बैंकों की सदस्यता केवल औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए ही होनी चाहिए तथा जिला या क्षेत्रीय स्तर के बैंकों की सदस्यता औद्योगिक समितियां और निजी समितियां दोनों के लिए खुली होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि जो औद्योगिक सहकारी बैंक है इनकी स्थापना औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करने के लिए उनका उचित मार्गदर्शन करने के लिए बैंकों की स्थापना की गई। तो देखिए इन बैंकों की स्थापना कुछ राज्यों में तो शीर्ष स्तर पर राज्य औद्योगिक सहकारी बैंक, राज्य औद्योगिक सहकारी बैंक, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, जिला औद्योगिक सहकारी बैंक की स्थापना की, ठीक है, जिला औद्योगिक सहकारी बैंक की स्थापना की। अब जो राज्य औद्योगिक सहकारी बैंक है तो राज्य औद्योगिक सहकारी बैंकों की सदस्यता है, यानी कौन राज्य औद्योगिक सहकारी बैंकों के सदस्य बन सकते हैं, तो कौन बन सकते हैं, जो औद्योगिक सहकारी समितियां, औद्योगिक सहकारी समिति, ये औद्योगिक सहकारी समितियां क्या करती है, ये जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं ये राज्य स्तर पर, ठीक है, या ये शीर्ष स्तर पर जो राज्य औद्योगिक सहकारी बैंक है उनकी सदस्य बन सकती है, ठीक है। सदस्य बन सकते हैं, ठीक है, वो भी जिला औद्योगिक बैंक के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स, अब देखिए सेंट्रल एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स क्या हैं, देखिए ये बैंक औद्योगिक सहकारी बैंक की वित्तीय पूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं रहे हैं,
सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक की, तो सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव जो बैंक है वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए वित्त प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन जब औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म जो लोन है वो औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रदान करते हैं। देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंकों ने औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। तो देखिए, जो सेंट्रल स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक है, इन सेंट्रल स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक ने औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण देने के बहुत से प्रयास। देखिए, अपने कोषों का एक निश्चित भाग औद्योगिक समितियों को ऋण देने के लिए सुरक्षित रखते हैं। मैंने पहले भी बताया कि सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव जो बैंक है, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव जो बैंक है ये मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं या एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जब औद्योगिक सहकारी समितियों को लोन की आवश्यकता पड़ती है, फंड की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता पड़ती है, तो सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए, इनके द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं, सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक द्वारा। तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो सबसे पहले तो जो सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक है ये अपने कोषों का एक भाग औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए सुरक्षित रखते हैं, यानी कि उनके कोष है तो कोषों का एक भाग ऋण देने के लिए सुरक्षित रखते हैं। ताकि ये जो उप समितियाँ हैं ये औद्योगिक सहकारिता सहकारी जो समितियाँ हैं उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें ऋण प्रदान कर सकें। उसके बाद देखिए, औद्योगिक समितियों के प्रतिनिधियों को अपने संचालक मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। तीसरा प्रयास किया गया है कि जो ये औद्योगिक सहकारी समिति है इनके प्रतिनिधियों को औद्योगिक सहकारी समितियों में प्रतिनिधियों को संचालक मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, प्रतिनिधियों को संचालक मंडल में शामिल किया है, इनके प्रतिनिधियों को, ठीक है, जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं इनके प्रतिनिधियों को संचालक मंडल में शामिल किया गया है। देखिए, लास्ट में उन्होंने एक और प्रयास किया कि इन समितियों की जांच के लिए उप सचिव व निरीक्षक की नियुक्ति की, ठीक है, और जो
जो ये स्टेट एंड कॉरपोरेटिव बैंक है इनके द्वारा उपनिरीक्षक व निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए कुछ प्रयास किए गए। उन प्रयासों में पहला प्रयास किया गया कि सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक अपने कोषों का एक भाग औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए सुरक्षित रखते हैं। क्यों सुरक्षित रखते हैं? क्योंकि सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक मुख्य रूप से कृषि के लिए लोन देते हैं। उसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक के द्वारा उप समितियों का गठन किया गया। और इन उप समितियों का गठन क्यों किया गया? ताकि ये औद्योगिक सहकारी समितियों की आवश्यकताओं को समझ कर उन्हें ऋण प्रदान कर सके। उसके बाद जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं इनके प्रतिनिधियों को सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंकों के संचालक मंडल में शामिल किया गया, ताकि जो औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्त संबंधी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जो औद्योगिक सहकारी समितियों के जो प्रतिनिधि हैं वो सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक के संचालक मंडल के सामने रख सके। नेक्स्ट, जांच उप निरीक्षक व निरीक्षक की नियुक्ति, यानी जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं, ठीक है, तो इन समितियों की जांच की जाए और इन समितियों के लिए निरीक्षक और उप निरीक्षक की नियुक्ति भी सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक द्वारा की जाए। ठीक है, देखिए औद्योगिक समितियों को ऋण देने से सहकारी समितियों को जो हानि होती है उसे सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण दे रहे हैं, तो इनका तो काम केवल किसको ऋण देना है? कृषि को ऋण देना है और लगभग उद्योग उद्योगों को भी ऋण देते हैं। ठीक है, लेकिन औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण देने का इनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। तो इन्हें ऋण देने से जो हानि होती है उस हानि को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है? उसको वहन किया जाता है। जो भी हानि होती है उस हानि को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उस हानि को वहन किया जाता है। तो देखिए 50% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार द्वारा उस हानि को वहन किया जाता है। 50% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार और जो बचा 10% उसे सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक उस हानि को स्वयं ही वहन करते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव जो बैंक है वो मुख्य रूप से कृषि को लोन देते हैं, लेकिन ये औद्योगिक सहकारी समितियों को भी लोन देते हैं जिसके कारण इन्हें हानि होती है। तो उस हानि को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो कुल हानि का 50% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा और बचा जो 10% हिस्सा है वो सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक द्वारा स्वयं ही वहन किया जाता है। ठीक है, सहकारी बैंक इन समितियों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, यानी सहकारी बैंक लोन देने का तो प्रयास कर ही रहे हैं इन समितियों को, लेकिन साथ ही साथ इन समितियों को सुविधाएं प्रदान कराते हैं। जैसे सहकारी बैंक के भंडार में कच्चा माल तथा निर्मित माल रखने पर रहने ऋण सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं जिनके पास भंडारण की सुविधा नहीं है तो सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक भंडारण सुविधा इन्हें उपलब्ध कराती है। औद्योगिक समितियों सहकारी बैंक उनकी निजी पूंजी तक ऋण उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ये जो समितियां हैं इन समितियों को सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक जो औद्योगिक सहकारी समितियों उनकी निजी पूंजी तक ऋण प्रदान कराते हैं। जो सुविधाएं व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को माल का आयात करने तथा थोक के काम
संबंधित जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, ठीक है, मार्केटिंग से संबंधित जो सुविधाएं प्रदान की जाती है औद्योगिक सहकारी समितियों को, वो भी सेंट्रल एंड स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। कॉर्पोरेटिव बैंक, यदि हम बात करें फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव बैंक की, तो 5 ऐसे सोर्सेज है जहां से इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव फाइनेंस को गेन करने का कार्य करती है, फाइनेंस को गेन करती है, जिसमें फर्स्ट आता है इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव बैंक, सेकेंड सेंट्रल एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, थर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक नाबार्ड और स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इनमें हमने फर्स्ट पर लिया इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेटिव बैंक, सेकंड हमने पढ़ा सेंट्रल एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, यानी कहीं ना कहीं सेंट्रल एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव जो बैंक्स हैं वो भी औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करने में सहायता करते हैं, और औद्योगिक सहकारी समितियों का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, सेंट्रल एंड स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक। देखिए ये टॉपिक हमारा इधर ही समाप्त होता है, आगे हम जो 3 सोर्सेज बचे हुए हैं, ठीक है, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।